hi all this is anjali and welcome to my channel so as i'm carrying day seven of our crash course for 12th class computer science cbse board for the year 2023 सो so, आज हम करने वाले हैं सी एस वी फाइल्स इससे पहले हम एक वन शॉट कर चुके हैं टेक्स फाइल्स पे वी वीडेड वन शॉट ऑन बाइंडरी फाइल्स और आज है तीसरी फाइल की कैटेगरी जो है सी एस वी फाइल्स तो सी एस वी फाइल्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है दो तरीके से आपको प्रोग्राम लिखने के लिए भी आ सकता है या फिर आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने पार्शियल कोड दिया होगा बीच में कुछ कुछ ब्लैंक्स होंगे और वो ब्लैंक्स आपको फिलअप करने होंगे सो इट कैन कम इन दैट फॉर्मैट राइट सो चलिए देखते हैं कि हम सी एस वी फाइल्स पे काम कैसे करेंगे तो सी एस वी फाइल्स के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल इम्पोर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है सी एस वी और सी एस वी फाइल्स जो हैं ये होती तो टेक्स्ट फाइल्स ही हैं सो so, जब हमने शुरू में फाइल टाइप्स डिस्कस किया था सो वी डिस्कस की फाइल टाइप्स जो है आपके पास वो दो हैं आपके पास टेक्स्ट फाइल्स हैं और आपके पास बाइनरी फाइल्स हैं राइट टेक्स्ट फाइल्स के अंदर वी हैव फर्दर टू टाइप ऑफ फाइल्स एक है आपका रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और दूसरा है आपका सी एस वी फाइल तो रेगुलर टेक्स्ट फाइल तो हम कर चुके हैं जिसमें हम नॉर्मल डेटा को एज स्ट्रिंग रीड या राइट कर सकते हैं सो रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स थी और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी वो है सी एस वी फाइल्स की और आपके पास बाइनरी फाइल्स है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो लेट्स सी हम सी एस वी फाइल्स पर कैसे काम करते हैं तो so, सबसे पहले तो सी एस वी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए तो सी एस बी की फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सो वॉट डू वी मीन बाय कॉमा सेपरेटेड वैल्यू तो सी एस वी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की जो आपका डेटा है इट इज रिटन सेपरेटेड बाय कॉमा फॉर एग्जाम्पल की आपके पास एडमिशन नंबर है नेम है क्लास है समथिंग लाइक दिस तो ये जो वैल्यूज है ये हम कॉमा दे के सेपरेट कर रहे हैं एडमिशन नंबर की वैल्यू आ गई नेम आ गया क्लास आ गई समथिंग लाइक दैट सो योर वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा मतलब जहाँ कॉमा आ गया उसका मतलब एक नेक्स्ट कॉलम शुरू हो रहा है तो एक रो में एक रिकॉर्ड की वैल्यूज होंगी और जहाँ कॉमा आ गया इट इज डिवाइडिंग द कॉमा इज बेसिकली डिवाइडिंग योर डेटा इन टू डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स राइट अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिलीमिटर कॉमा ही हो जैसे टी एस वी फाइल्स भी होती हैं टैब सेपरेटेड वैल्यूज तो अगर हम वैल्यूज के बीच में टैब देंगे तो वो टी एस वी हो जाएगी टैब सेपरेटेड वैल्यूज आप दूसरे सिंबल भी यूज कर सकते हो बट आपके सिलेबस में सिर्फ सी एस वी है दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इन फाइल्स को हम डायरेक्टली रीड करके देख पाएंगे जैसे कि हम टेक्स्ट फाइल्स को रीड करके देख सकते हैं सिर्फ बाइनरी फाइल ऐसी है जिसको आप सिर्फ पाइथन प्रोग्राम से ही रीड कर सकते हो अदरवाइज वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती बट चाहे रेगुलर टेक्स्ट फाइल हो चाहे आपकी सी एस वी फाइल हो वी कैन ओपन इट वी कैन व्यू इट प्रॉपरली ठीक है जी तो चलिए देखते हैं काम कैसे करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पोर्ट होगा सीएसवी केस स्टडी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है तो उसमें ध्यान रखना है कि आप इम्पोर्ट सी जब लिखोगे तो सी एस वी हैज़ टू बी इन स्मॉल लेटर्स ना तो फर्स्ट सी कैपिटल होगा ना ही पूरा सी एस वी कैपिटल होगा इट हैज़ टू बी ऑल स्मॉल सो इम्पोर्ट सी एस वी अब वही काम जो हमने लास्ट लेक्चर में बाइनरी फाइल्स के साथ किया था कि हमने एक एम्प्लॉय का डेटा रीड किया था और उसको हम राइट करा रहे थे फ़ाइल के अंदर राइट right? सो so, हम क्या करेंगे बिल्कुल वही काम यहाँ पर करेंगे वी विल बी रीडिंग द एम्प्लॉय डेटा सो ये जो पार्ट था मेरा जिसमें मैंने यूज़र से डेटा को इनपुट करवाया था वो तो सेम ही होगा तो so, अगर आप यहाँ पर एड एम्प करते हो ताकि आप उसके अंदर एक एम्प्लॉय को ऐड कर सको सो दिस कोड इज सिमिलर आपने एम्प्लॉय का आईडी पूछा नाम पूछा सैलरी पूछी जॉब पूछ ली ठीक है उसको एक लिस्ट में पुट कर दिया अब आप इसको राइट करना चाहते हो एक सी एस वी फाइल के अंदर वॉट आर द स्टेप्स सो फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द फाइल सो फाइल को हम ओपन करेंगे अब इसकी एक्सटेंशन जो होगी वो सी एस वी होगी सो so, एम्स या जो भी नाम आपको रखना है फाइल का वो आप रख सकते हो बट द एक्सटेंशन यू शुड टेक इज डॉट सी एस वी तो जो सी एस वी फाइल्स होती हैं उसको आप टेक्सट मोड में तो ओपन करके देख ही सकते हो इसके अलावा आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन करके देख सकते हो तो वो आपको प्रॉपर स्प्रेडशीट की फॉर्म में उसको दिखा देगा मोड एज यू कैन सी आपके पास ये सिंटेक्स आ रहा है तो सिंटेक्स में मोड जो है वो बाई डिफॉल्ट आर होता है हमें पता है हमने टेक्सट फाइल के टाइम पर भी किया था बफरिंग इज़ माइनस वन मतलब बाय डिफॉल्ट बफरिंग नहीं होती है आप चाहो तो बफरिंग कर सकते हो बफरिंग का मतलब होता है बफर इज बेसिकली अ रिजर्व मेमोरी स्पेस तो अगर आप रैम में पहले कुछ डेटा रखना चाहते हो और फिर बाद में चाहते हो एक ही बार राइट हो तो हम बफरिंग यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड ठीक है सो यहाँ पर हम क्या करेंगे वी विल बी राइटिंग जैसे यहाँ पर न्यू लाइन इनिशियली नन है कुछ लोग न्यू लाइन में बैक स्लैश इन दे 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 देते हैं कि जब भी नेक्स्ट लाइन राइट हो तो वी शुड लीव अ लाइन ओवर दर पर आपको ये सब में से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ क्या लिखने की ज़रूरत है मोड तो आप मोड में जाकर क्या करेंगे डब्ल्यू अगर आप पहली बार फाइल खोल रहे हो और राइट मोड में खुल रही है आप चाहते हो कि पुरानी फाइल इरेज हो जाए तो डब्ल्यू और अगर आप चाहते हो कि भाई पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं वो रहें है, और मैं नए रिकॉर्ड्स और एड कर सकूँ सो आई विल टेक अप एंड मोड सो दिस इज द सेम थिंग बिल्कुल वही चीज़ है जो आप पहले वाली फाइल्स में करते आ रहे हो और इसमें जैसे बाइंड्री में था कि साथ में बी लगा देते हैं आर बी डब्ल्यू बी ए बी टू इंडिकेट की वी हैव टू वर्क ऑन द बाइंड्री फाइल्स यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपके पास मोड वही रहेंगे आर डब्ल्यू ए कोई एक्स्ट्रा लेटर आपको नहीं लगाना है सो एफ इज इक्वल टू ओपन एम पेस डॉट सी एस वी मोड इज इक्वल टू ए चलिए जी ठीक है नाव वॉट नाउ वी हैव टू क्रिएट अ राइटर सी एस वी राइटर आपको क्रिएट करना पड़ता है उसका नाम आप कुछ भी दे दो दिस इज़ जस्ट अ वेरिएबल नेम और ऑब्जेक्ट नेम वॉट एवर यू राइट हे मैंने सी डब्ल्यू लिख दिया अब आप लिखेंगे सी एस वी विच इज़ नेम ऑफ योर मॉड्यूल एंड देन यू हैव टू राइट अ प्री डिफाइंड मेथर्ड दैट इज राइटर सी एस वी डॉट राइटर एंड ब्रैकेट में आप पास करोगे अपने फाइल ऑब्जेक्ट को तो सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर एफ सो वी हैव टू क्रिएट दिस राइटर फर्स्ट और उसके बाद आप सी डब्ल्यू डॉट राइट रो सो दो फंक्शन हैं हमारे पास सब एक राइट रो है और एक हमारे पास राइट रोज है तो यहाँ पर मैंने राइट रो किया एंड आफ्टर दैट आई क्लोज द फाइल सो जब आपका काम हो जाए तो आपको फाइल क्लोज करनी है तो देखो डेटा इनपुट का कोड तो सेम ही है इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना अब ये चार लाइन्स हैं जिसकी हेल्प से आपने उस लिस्ट को राइट कराया कहाँ पर सी एस वी फाइल में क्या लाइंस है वो चार पहली आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे राइट या अपेंड मोड में तभी हम उसमें राइट कर पाएंगे सो वील ओपन द फाइल इन राइट और अपेंड मोड देन यू हैव टू क्रिएट द राइटर दैट इज द सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में जो लिस्ट थी उसको हमने फाइल में राइट करा दिया और चौथे स्टेप में फाइल को हमने क्लोज कर दिया तो सो दैट कि जो भी रैम में चेंजेस हुए हैं वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाए सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू और अब आप यहां पर इसको जनरल बनाना चाहते हो तो आप यूजर से पूछ सकते हो वही सेम चीज जो मैंने वहां पे की थी एंटर हाउ मैनी एम्प्लॉयज टू ऐड तो हमें कितने इम्प्लॉयिज ऐड करने हैं वो हमने पूछ लिया एंड देन वील हैव लाइक फॉर आई इन रेंज एंड वी विल बी calling this method. So for i in range n, <coughs> I will call add m. So मैंने इसको save किया, CSV m के नाम से, और मैं इसको कर देती हूँ run. ठीक है, मैंने इसको run कर दिया. Uh, bracket was never closed. So which bracket अच्छा यहाँ पर. So एक bracket हमारी कम close हुई थी. So, we here, and we run it again. So, number of employees to add is 3. Employee ID is 11. Employee name is Ankur. Salary is 60,000. Job is executive. Then, employee ID is 19. Name is Parul. Salary is 1,20,000. Job title is programmer. Employee ID 16. नेम इज़ सार्थक सैलरी इज एटी थाउजेंड सेल्स मैन दैट्स एट थ्री एम्प्लॉयज आर एडेड अब अगर मैं आपको जाकर दिखाऊँ यहाँ डॉक्यूमेंट्स में और आप इधर जाओगे और यहाँ पर देखोगे एम्स डॉट सी एस वी आ रहा है और आप इस आइकन को अगर ध्यान से देखो तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन के साथ आ रहा है मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि दिस फाइल कैन बी ओपनड इन एक्सेल बट आई एम गु ओपन एड एंड टेक्सट एडिट सो so, आप नोट पैड में ओपन करके देख सकते हो एंड यू विल सी कि इट इज कमिंग एज अ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ऐसे कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आ जाएगा हमने तो कहीं कॉमा सेपरेटेड नहीं बताया उसको अगर वो लिस्ट की तरह राइट करता तो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होते पर वो नहीं है यहाँ पर सो इट इज कमिंग एज नॉर्मल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज तो दिस इज हाउ योर सी एस वी फाइल इज क्रिएटेड तो ये तो हमारी सी एस वी फाइल क्रिएट हो गई जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब आती है बारी रीड करने की तो क्रिएशन हमेशा ऐसे ही रहेगी एक चेंज यहाँ हो सकता है कि ये जो राइट right रो है इसकी जगह हम राइट right रोज भी यूज़ कर सकते हैं मैं एक टाइम पे एक लिस्ट इनपुट कर रही हूँ उसको साथ के साथ राइट कर रही हूँ तो मैंने राइट right रो लगाया है कई जगह पर आप कोड देखोगे कि हमने उससे पूछा कि पांच इम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं. तो पहले हम पांच एम्प्लॉयज का डेटा रीड करके उसको एक लिस्ट में डाल के एक बड़ी लिस्ट में ऐड करते रहते हैं एक लिस्ट के अंदर आप एंड करते रहते हैं तो उससे नेस्टेड लिस्ट बन जाती है दैट बिकम्स लिस्ट लिस्ट ऑफ तो अगर आप एक ही साथ पांच रिकॉर्ड्स राइट करना चाहते हो तो आप राइट right रो की जगह राइट रोज लिखोगे और ब्रैकेट में जो पास होगा दैट विल बी लिस्ट ऑफ लिस्ट सो सिंपल सी बात है सिंगल लिस्ट मतलब राइट रो लिस्ट ऑफ लिस्ट जब ज्यादा हो जाएंगी प्लूरल है तो राइट right रोज सो so, सिंगुलर के लिए रो है प्लूरल के लिए राइट right रोज है इट्स दैट इजी ओके सो राइट राइट रो रोज ठीक है अब आप यहां से फेच करके देखना चाहते हो तो आपने यहां पर बना दिया शो एम्प अब शो एम्प में ऑब्वियसली बात है कि फाइल जो है वो रीड मोड में ओपन होगी सो so, तभी हम उसमें से रीड कर पाएंगे और शो कर पाएंगे हम मोड नहीं भी लिखेंगे तो डिफॉल्ट इज रीड बट आई जस्ट राइट इट सो हमने फाइल को यहाँ पर ओपन कर लिया रीड मोड में अब जैसे वहाँ पे राइटर बनाया था यहाँ पे रीडर बनाना पड़ता है सो वी विल बी राइटिंग दिस लाइन कुछ भी नाम दे दो मैंने सी आर लिखा है आप कोई भी नाम लिख सकते हो इज इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर और ब्रैकेट में आपने फाइल का नाम दे दिया सो एफ़ इज इक्वल टू ओपन एम पेस डॉट सी एस वी आर सी आर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर एफ तो आपके पास जो है वो फाइल आपकी रीड होकर आ गई है अब उसमें से डेटा निकालने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो लाइक फॉर रो इन सी आर वी हैव टू यूज़ दिस ट्रेवर्सल लूप टू गेट द वैल्यूज ठीक है और कोई तरीका नहीं है सो so फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम इन सी आर एंड देन यू कैन प्रिंट सो इट विल बी रीडिंग इट एज लिस्ट आप इसको प्रिंट करा दो एंड में जाकर हम फाइल को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम फाइल को क्लोज करने के बाद जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं ठीक है जी अब मैं इसको रन करती हूँ मैं कहती हूँ मुझे कोई नया एम्प्लॉय ऐड नहीं करना सो आई से ज़ीरो एंड दीज आर माय थ्री रिकॉर्ड्स व्हिच आई हैव गॉट अब अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे और अगर आप कल वाले प्रोग्राम को रिकॉल करोगे तो उसमें भी लिस्ट शो हुई थी बाइनरी फाइल में लेकिन ये सारी वैल्यूज कोर्ट्स में नहीं थी है ना यहाँ पर आपके पास लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं ऑल आर इन कोट्स ये एक मेजर डिफरेंस है जब हम बाइनरी फाइल से रीड करते हैं या हम उसको रीड करते हैं फ्रॉम द सी एस पी फाइल ये बाइनरी फाइल वाला प्रोग्राम है जो मैंने कल आपको कराया था अब मैं इसको अगर रन करती हूँ और मैं इसके अंदर कहती हूँ मुझे जीरो एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं सो इट्स शोइंग मी द एम्प्लॉयज बट यू कैन क्लियरली सी कि एम्प्लॉय आई के साइड पर कोट्स नहीं हैं नेम पे हैं यहाँ पर कोच नहीं है जॉब पर है बट यहाँ सब में कोच है क्यों क्योंकि सी एस वी फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल तो सी एस वी फाइल एक टेक्स्ट फाइल है उसमें से जो भी रीड होकर आएगा वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा सो वॉट इट रिटर्न इज जो ये आ रहा है दैट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स वो आपको शो कर रहा है अगर आप यहाँ पर कंडीशन लगाना चाहते हो कि भाई जिनकी सैलरी एक लाख से ज्यादा है सिर्फ उन्हीं को शो करो तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो कि इफ रो टू इज ग्रेटर देन वन लाख है ना देन ओनली इट शुड शो इट अगर ऐसा है सिर्फ तभी शो होना चाहिए सो so, सिर्फ तभी शो होना चाहिए से क्या होगा यहाँ पर अब आप यहाँ पे लिख रहे हो एंटर हाउ मेनी एम्प्लॉयज टू ऐड आई से जीरो बट व्हाट इज इट शोइंग इट इज शोइंग एन एर क्या कह रहा है नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टांसिस ऑफ एस टी इंट कि भाई जो आप वैल्यू चेक करा रहे हो उसमें से जो रो टू है वो तो स्ट्रिंग है और आप उसको कंपेयर करा रहे हो इंटेजर के साथ जो कि नहीं हो सकता डेटा टाइप ही मैच नहीं करता है तो वहां पर हमें इसका टाइप चेंज कराना पड़ेगा मुझे इसमें लिखना पड़ेगा इंट रो टू ताकि वो उसको इंटेजर में कन्वर्ट करे और उसके बाद वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा जो भी आपके पास कंडीशन से मैच होंगे तो सिर्फ पारुल का रिकॉर्ड था वो शो हो गया बट आपको इंट में चेंज करना पड़ा तो ये ध्यान रखना है क्योंकि सी एस वी से जो भी रीड होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड होके आता है तो अगर आपको उसको किसी और डेटा टाइप में लेना है तो आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा बाकी कंडीशन वैसे ही लगनी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है सो दिस इज हाउ वी ऑपरेट ऑन सी एस वी फाइल्स आप कई जगह पर इसमें ऐसे भी देखोगे कि हम ओपन ऐसे नहीं करते हैं ठीक है ऐसे करते हैं विद एफ यहां पर लगा देते हैं कोलन ठीक है एंड देन ऑल दीज थिंग्स कम्स इन साइड विद और ये जो है इसकी जरूरत नहीं होती है आंसर सेम आने वाला है आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा ठीक है mm -hmm -hmm. एज एफ ठीक है so, सो इसमें आपके पास सिर्फ इतना होता है कि जब हम विद से किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती इफ अ फाइल इज ओपन विद कीवर्ड तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जब काम खत्म होता है तो फाइल को क्लोज कर देता है वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल ठीक है सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग इट ओपन पहले आएगा एज एफ बाद में आएगा सो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट इट बट आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बोथ विल बी ट्रीटेड आज का रेट तो ऐसे करो या जैसे पहले लिखा था सो so बस इतना सा आपका कोड है सी एस वी फाइल्स का अगैन अपडेट और डिलीट का लॉजिक वही रहेगा जो बाइंडरी फाइल्स में था कि एक टेम्परेरी फाइल लेंगे जिसको डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सबको नई वाली फाइल में राइट कर देंगे and then we will change the name of the file, so we can do that as well, right? So ye questions ki practice hum shuru karenge after finishing the 15 day crash course. to jaise hi crash course khatam hota hai we will start with the question bank series, theek hai and uh, sample papers, guess papers जो हैं, वो हम exam से पहले 11th मार्च के बाद शुरू करेंगे जब आपका maths का exam हो जाएगा. So that is it about this video. Dude, let me know in the comments कि समझ आया, नहीं समझ आया? और यू वॉन्ट मी टू यू नो एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट इट सो वट एवर डाउट्स यू हैव जो भी चीज़ है लिखो डाउट्स में लिखो कमेंट्स में और मुझे बताओ ठीक है सो डू लेट मी नो अबाउट दैट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम शुरू करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स तो स्टैक कैसे यूज करते हैं स्टैक पर हम कैसे काम करते हैं दैट वी विल भी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक आप ये फाइल्स को गो थ्रू करो अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन फाइल हैंडलिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑन दिस राइट सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है एंड बाय द आई अपलोड मोर कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय फॉर नाउ